और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। बमीठा में पानी बरसने के कारण सैकड़ों घरों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। स्थानीय प्रशासन से नाराज भाजपा नेता अरुण उपाध्याय ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। उनका कहना है कि प्रशासन समय पर नहीं पहुंच पाया एवं प्रशासन की गलती की वजह से सभी के घरों में पानी भर गया है। देखिए कुछ खास रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। अरुण उपाध्याय भाजपा नेता, आज बमीठा में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोगों को जनधन की हानि हुई है। लेकिन लगभग 8 से 10 घंटे हो गया लोगों के घरों में पानी भरे हुए, ना तो सरपंच अभी तक पहुंचे, ना सचिव पहुंचे, ना पटवारी, ना तहसीलदार। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों के घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। एक घर में मैंने देखा कि बुजुर्ग खटिया में बैठा है, बीमार स्थिति में, उसके चारों तरफ पानी घर में भरा हुआ है, वो कहीं ना आ पा रहा है ना कहीं जा पा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि प्रशासन को गंभीरता दिखाते हुए उनके घरों में जाकर के, वहां पहुंच करके, मोहल्ले में सर्वे करा करके लोगों को उचित मुआवजा देना चाहिए और लोगों की समस्याओं का निदान करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रशासन की घोर लापरवाही है, सरकार को ऐसे प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके की लापरवाही बरतता है। क्योंकि आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में चारों ओर बाढ़ की स्थिति है, उस बाढ़ की स्थिति में बमीठा भी हमारा आज आने की स्थिति में आ चुका है। कई घरों में पानी आप वीडियो के माध्यमों से देख सकते हैं कि किस स्थिति में बमीठा के घरों में स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। चाहे स्पिलर लोगों को चल रहे हैं, लोगों का जीवन यापन, व्यापारिक क्षेत्र में लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बमीठा व्यापारिक हब है, व्यापारिक दुनिया है, व्यापारिक लोगों से चलता है पूरा। इसलिए मुझे मेरा आग्रह है प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द आकर के इनका मुआवजा दें, इनका सर्वे कर करके उचित मुआवजा दिया जाए।